इंदौर में नगर निगम चुनाव के बाद अब नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने कार्यभार संभालना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में सोमवार को MIC मेंबर निगम राजस्व प्रभारी निरंजन सिंह चौहान ने पदभार ग्रहण किया। वहीं मीडिया से चर्चा करते हुए राजस्व प्राप्ति में अब तक के सभी रिकॉर्ड तोड़ने का दावा किया। इंदौर नगर निगम के राजस्व प्रभारी निरंजन सिंह चौहान द्वारा पदभार ग्रहण करने के बाद समर्थकों ने फूलमाला से स्वागत कर उन्हें शुभकामनाएं दी। वहीं मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि शहर विकास के लिए राजस्व अहम है, करदाता समय पर टैक्स जमा करे और उनकी समस्या का तत्काल निराकरण हो, यही उनकी प्राथमिकता होगी। साथ ही उन्होंने अब तक के राजस्व प्राप्ति के रिकॉर्ड तोड़ने का दावा किया है। वास्तविक में ये नगर निगम का सबसे प्रमुख जवाबदारी है, क्योंकि इंदौर नगर निगम को विकास करने के लिए सबसे बड़ी जरूरत लगती है पैसे की, अर्थ की। और मेरे पे जो महापौर जी ने जवाबदारी दी है वो अर्थ को व्यवस्थित और इंदौर के प्रत्येक नागरिक इसको खुश खुश होकर पैसा दे, विश्वास अर्जित करेंगे हम उनका और ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व प्राप्त करने की कोशिश करूँगा मैं। इस पर प्रयत्न करेंगे कि हम नगर निगम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व लें। पहले के जितना भी राजस्व आज तक का रिकॉर्ड है उससे कोशिश करेंगे कि हम उस सब का रिकॉर्ड तोड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व प्राप्त करें। कचरा शुल्क भी जो हमारा बाकी है वो सब हम उनसे, नागरिकों से लेंगे, क्योंकि इसमें वास्तविक में बहुत सारी जगह हमारे कर्मचारी भी थोड़ा सा इसमें दोषी है। समय पर अगर जाते नहीं है, क्योंकि किसी से पैसा लेना तो उस पर समय पर उसकी डिमांड हो, समय पर उसकी मांग हो, तो नागरिक देने को कोई कष्ट नहीं है। कई बार जाते ही नहीं है तो कोई नागरिक भी देना नहीं चाहता, ये रह जाता है। इसलिए तो हम इसमें कोशिश करेंगे कि समय पर, जैसे हमारे यहाँ नल का बिल तिमाही जाता है तो 3 महीने का अगर उसका बिल जाएगा और उससे कोई वसूली करने का ले रहेगा तो वो वास्तविक में नागरिक देने में कोई तकलीफ। इंदौर से नीरज बोरासी की रिपोर्ट।